सदन मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर सदन अवैसी ने वन्यसी सरकारी मदारिस के 2,500 उर्दू मीडियम तुलबा में मैट्रिक इम्तहान की फीस तकसीम की। मजलिस चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से इस तकसीम का सिलसिला गुज़श्ता कई बरसों से हर साल किया जाता रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि उर्दू जरिए तालीम तलबा की हौसला अफजाई के लिए सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम ने इस स्कीम का आगाज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि आज भी जारी है। दारुसलाम में मुनक़िदा इस तकरीब में मजलिस के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और दूसरे भी मौजूद थे। जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस हैदराबाद ज़िले हैदराबाद के और तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने अपनी ज़िंदगी में इस स्कीम का आगाज़ किया अक्टूबर 2005 में और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से अब तक बड़ी कामयाबी के साथ आप तमाम की ताईद, आप तमाम के ज़रिए मशवरे और आप तमाम की सपोर्ट की बुनियाद पर इस स्कीम को जो मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया था उसको हम लोग कामयाबी से इसको चला रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हजरात का जो माह रबी अव्वल में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से जो जश्न रहमतुल आलमीन का दो रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन का इनेकाद अमल में लाया जाता है उसमें साल में एक मरतबा मजलिस की तरफ से अवामुन नास से चंदा हासिल किया जाता है। मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उस जश्न रहमतुल आलमीन के सिलसिले में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अपनी रकमी इमदाद से मदद करते हैं। वो दो रोज़ा जश्न रहमतुल आलमीन के कामयाबी के निखाद के बाद जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों के ज़रिए से इस एजुकेशन किट का एहतमाम और एसएससी की एग्जामिनेशन फीस और साथ ही साथ मॉडल पेपर ऑल इन वन एसएससी के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन वन सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर 10वीं जमात के लिए 10th क्लास के लिए पूरे तेलंगाना में 2,000 ऑल इन वन एसएससी तुलबा और तालिबात में मजलिस की जानिब से फ्री में मुफ्त उनको दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो स्कीम का आगाज मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने किया था जिसमें एजुकेशन किट में लॉन्ग बुक एक बैग होता है जिसमें लॉन्ग बुक होती है और छठी और दसवीं जमात तक बैग और लॉन्ग बुक दिए जाते हैं और छठी और नौवीं जमात में उस लॉन्ग बुक में गाइड का सेट भी दिया जाता है। तो इस तरीके से 2005 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस एजुकेशन किट के तहत कदीम रिवायत के बरखिलाफ पहली मरतबा रियासत में यौम जमहूरिया की अहम तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद की बजाय राजभवन में मुनक्किद होगी। गवर्नर टी सुंदरराजन कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम देंगी। इस तकरीब में जो कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते मुख्तसर और महदूद पैमाने पर मुनक्किद हो रही है, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनकी काबीना के अरकान, जजेस और आला सरकारी अहदेदार शिरकत करेंगे। सिटी पुलिस ने तकरीब के सिलसिले में राजभवन के करीब व जवाहर में सुबह 6-9 बजे ट्रैफिक तजाद आयद की हैं। इसी दौरान रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। अपने एक प्याम में उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम को अपनाते हुए मुल्क ने जिंदगी के हर शुबे में तरक्की की है। गवर्नर ने हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने वाली कमेटी खासकर बाबा दस्तूर B.R. अम्बेडकर को पुरसर खराज अकीदत पेश किया जिनकी अंतिम कोशिशों की वजह से मुल्क में सबसे बेहतरीन दस्तूर नाफिज हुआ है। नेशनल वोटर ड्रेस के मौके पर GHMC के दफ्तर टैंकमंड पर तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें मुलाजमीन ने हक रायदे के इस्तेमाल करने का अहद लिया। सेक्रेटरियट में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुलाजमीन को हलफ दिलाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र, रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शशांक गोयल ने वर्चुअल खिताब किया। टैंकमंड पर मुनक्किदा तकरीब में GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर जयराज कैनेडी, जोनल कमिश्नर LP नगर पंकजा और दूसरे भी शरीक थे।
निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने उन पर किए गए हमले को हुकूमत की साजिश बताया और कहा कि वह मरकजी में दाखिला अमित शाह से इसकी शिकायत करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद ने कहा कि इस हमले के पीछे कमिश्नर पुलिस का भी हाथ है। उन्होंने कहा कि वह इस मसले को पार्लियामेंट की मराठ कमेटी से रुजू करने वाले हैं। క్లియర్ చేసిండ్రేమో అనుకొని మేము పోలీసు వాళ్ళు చెప్పి బయలుదేరదామంటే బయలుదేరదామన్నారు పోలీసు వాళ్ళు బయలుదేరదామంటే కొంచెం దూరం పోయినాక మళ్ళా మాకు సమాచారం వచ్చింది వాళ్ళు అక్కడనే ఉన్నారు దాడికి సన్నద్ధంగా ఉన్నారు కత్తులు ఉన్నాయి రాడ్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఆపినాం ఆపి పోలీసులకు మళ్ళీ చెప్పినాం మీరు క్లియర్ చేయండి అని మమ్మల్ని అక్కడ ఉంచి మేము క్లియర్ చేస్తున్నామని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని అక్కడ పిలిపించి మేము ఉన్న చోటికి పిలిపించి ఇగో రాళ్ళతోటి నాకు ఆరాధం కలిగింది కత్తులతోటి దాడి వినయ్ రెడ్డి గారి కారు కలిగింది వేరే కార్లు అద్దాలు బల్ల కొట్టింది ఈ కత్తితోటి దాడి ఇది కత్తితోటి దాడి రాళ్ళతోటి కట్టెలతోటి రాళ్లతోటి కొడుతున్న వీడియోలు ఉన్నాయి మీ అందరికి షేర్ చేస్తాం మీకు దొరుకుతాయి ఇప్పుడు ఇది ఇనుప గుండె లాగా ఉన్నాయి రాళ్ళు ఇనుప ఇనుమిది దీంతో కొట్టాలా దీంతో కార్యకర్తల మీద కొడతా ఉన్నారు జాతి మీద కొట్టడం దీంతో ఇసురు కొడతా ఉన్నారు ఇవన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని ఇవాళ టీఆర్ఎస్ కి పూర్తిగా భారతీయ జనతా పార్టీని అటాక్ చేయాలన్నది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము పోలీసు వాళ్ళని వాడుకుంటుంది పోలీసు కూడా టోటల్ గా టీఆర్ఎస్ తొత్తులుగా తయారై ఇవాళ నేను కంప్లైంట్ చేయడానికి స్ట్రైట్ అక్కడ నుంచి దాడి జరిగిన స్థలం నుంచి సిబిఐ ఆఫీస్ కు వచ్చాను ఇక్కడ ఒక్క ఆఫీసర్ లేడు ఇయాల నేను కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు ఇలా హీ ఈస్ బిహేవింగ్ ఇండిఫరెంట్ నేను ఏం చేయలేం సార్ అంటున్నాడు ఆయన ఫోన్లో మరి కరీంనగర్ లో బండి సంజయ్ గారు ఎత్తకపోయారు కదండి అన్న కరీంనగర్ రూల్ వేరు సార్ మా రూల్ వేరు అన్న బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడండి బండి సంజయ్ గారు నాకు మాట్లాడుకుంటా నాతోటి కూడా అదే అంటాడు మరి నల్గొండలో ఇంకో వైద్య వచ్చాడు కదా వీడు కేటీఆర్ వాడు ఎక్కడికో పోయిండు నల్గొండక వరంగల్ నల్గొండ మరి అక్కడ ఎట్లా పోనిచ్చిర్రు అంటే అక్కడ రూల్ వేరని చెప్పినాడు సో తెలంగాణలో ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఒక్కొక్క రూల్ ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒక్కొక్క రూల్ నడుస్తా ఉన్నాయి ఈ రకంగా పోలీస్ కమిషనర్లు ఈ రకంగా పోలీసులే టీఆర్ఎస్ గుండాలతో కలిసిపోతే ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీగా నేను అడుగుతాను నేను ఇవాళ కంప్లైంట్ పోలీస్ కమిషనర్ ఆల్సో ఆయన దృష్టిలో ఉంది మేము ఇచ్చిన దృష్టిలో పెట్టినాం రాళ్ళు ఆయన కూడా పట్టించుకుంటలేరంటే దీని అర్థమైంది ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏం చేయదలుచుకున్నది దీన్ని మేము తప్పనిసరిగా భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ నాయకత్వం దగ్గరికి చాలా సీరియస్ గా తీసుకుపోతాము ఇట్లా అయితే ఇక్కడ మన కార్యకర్తలకి మన ఎంపీలకి మన ఎమ్మెల్యేలకి ఈ రకంగా పోలీసులతోటే గుండాలుగా తయారు చేస్తే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళనే గుండాలుగా తయారు చేస్తే తెలంగాణ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రజలు కార్యకర్తలు నాయకులు ఇతర పార్టీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఇది కమిషనర్ గారే చెప్పాలి నేను మూడు సార్లు ఫోన్ చేసిన కమిషనర్కి ఇలా మాట్లాడినా ఏమైనా అంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నాను ఎంపీ మీద దాడి చేస్తున్నామని తయారైతుంది అంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఆడ సిఐలు ఎస్ఐలు పిలిపించుకుంటున్నారు టీఆర్ఎస్ ఉండాలి మేము ఎక్కడున్నామో అక్కడ పిలిపించుకొని దాడి చేపిస్తున్నాం ఇది వ్యవస్థ ఇది బండి సంజయ్ గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తలేదు అలా तेलंगाना कानून साज कौंसिल के उबूरी सदरनशीन अमीन हसन जाफरी की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के नुमाइंदों ने उन्हें मुबारकबाद दी और इनकी गुलपोशी की। इनमें मौलाना सूफी अब्दुल खादर खादरी अफान खादरी मोहम्मद फारूक MHA सिद्दीकी फिरदोस शरीफ डी सुनीता मोहम्मद हामिद हामिद खादरी सूफी तबरेज पाशा और सैयद सुहेल रहमान शामिल हैं। वजीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपल्टी के वार्ड 51 में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के कामों का आगाज किया। इस तकरीब में म्यूनसिपल चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर्स और टीआरएस के सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे।
వర్క్ చేయడానికి అనేది వాదిస్తాలని వచ్చిన మెయిన్ రోడ్ చూసినాం మనం. ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ సంబంధించి గత 2 ఇయర్స్ నుండి ట్రై చేస్తా ఉన్నాము. ఆ రోడ్ ఉన్న డ్రైన్ ని సెట్ చేయాలి, అవుట్లెట్ తీసుకెళ్లాలి అనేది ట్రై చేస్తా ఉన్నాము. కానీ డ్రైన్ వేసిన తర్వాత నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బస్తీల్లో ఉన్న అందరికీ కూడా ఒకసారి డ్రైన్ వేసిన తర్వాత ఆ మెయిన్ డ్రైన్ కి కనెక్షన్స్ అనేది దయచేసి మీరే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలా. ఇప్పుడు ఆ మెయిన్ రోడ్ పైన ఎందుకు డ్రైన్ వస్తుందని చూసినప్పుడు డ్రైన్ వేసినా కూడా కనెక్షన్స్ ఇవ్వలేక రోడ్ మీద వదిలేయడంతో డ్రైన్ వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడే డీ గారికి అదే చెప్తున్నాను, అట్లీస్ట్ ముందు కనెక్షన్స్ అందులో కలిపేస్తే అవుట్లెట్ ఎక్కడ పోతుందనేది తెలడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ అసలు దానికి కనెక్షన్ ఇవ్వకుండా డబ్బులు పెట్టి పనిచేసి అవుట్లెట్ లేదని పెండింగ్ పెడితే ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పినాము. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క ఈ వాదిసాలనికే టీఎఫ్ఐడిసి కానీ హెచ్ఎండిఏ నుండి 1,60,00,000 రూపాయలు ఈరోజు ఈ డివిజన్కి ఇవ్వడం జరిగింది. తొందరలోనే టెండర్ అయిపోతున్నాయి. ఇంతకుముందు ఖలీఫా వార్డుకి వెళ్ళాం, ఖలీఫా వార్డులో కూడా ఏ బస్తీకి అయితే వెళ్ళిన బస్తీలో 1,00,00,000 రూపాయలు శాంక్షన్ ఉన్నాయి డ్రైన్కి రోడ్కి. ఇవన్నీ అయిపోతే ఒక 6 మంత్స్లో కొంత మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి కొంత తేడా తెలియడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే 20 క్రోర్స్ వరకు ఇప్పుడు టెండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి. కంప్లీట్ అయిపోతే మెయిన్ రోడ్లన్నీ కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి. దాంతోపాటు మెయిన్ రోడ్ పైన కూడా లైటింగ్ కోసం కూడా ఒక 50 లక్షలు తీసుకోవడం జరిగింది. తొందరలో అది కూడా గ్రౌండ్ చేసి లైట్స్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది. రేపు 29th రోజు కేటీఆర్ గారిని మన మున్సిపల్కి పిలుస్తూ ఉన్నాం. మెయిన్ మెట్రో వాటర్ ఏదైతే వాటర్ ఉందో డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇంకా కొన్ని బస్తీలలో ఎక్కడెక్కడైతే కావాలో, సెకండ్ ఫేజ్ భగీరథకు సంబంధించిన బడ్జెట్ నియర్లీ 60 క్రోర్స్ మన జల్పల్లి మున్సిపల్ శాంక్షన్ వచ్చింది. 60 క్రోర్స్ టెండర్ అయిపోయింది. సో 29th స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్రతి బస్తీకి ప్రతి ఇంటికి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవ్వాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు దాన్ని కూడా మొదలు పెట్టబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు పాడిషరీఫ్ రోడ్ అంతా పాడైందని మంత్రి గారి దృష్టి తీసుకెళ్తే 3 క్రోర్స్ ఇచ్చారు దానికి విత్ డ్రైన్స్. అసెంబ్లీ హల్కె కార్వాన్ మే జారీ తరఖాతి కామో కా జాయజా లేనే కీ ఘర్ సే मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुजुद्दीन ने मंगल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी. गोलकुंडा में एवेसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जारी काम का मुआयना करने के बाद उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा. बाद हजां वो अफसर कॉलोनी हैदराबाग निज़ाम कॉलोनी गए जहाँ ड्रेनेज और सीवरेज लाइन VDCC रोड NPT पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन का काम जारी है. उनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, نمائندہ کارپوریٹرس ہارون فرحان اور بدالدین کے علاوہ دیگر مجلس قائدین بھی تھے. مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بلدی ڈویژن خدیم ملک پیٹ میں متعدد تاریخاتی کاموں کا افتتاح کیا. ان میں پرشانت نگر میں 22 لاکھ روپے کی لاگت سے نئے کمیونٹی ہال کی تعمیر, 40 لاکھ روپے کی لاگت سے پرشانت نگر تا تگلا گوڑا نئی سیوریج لائن کی تنصیب, بنجارہ بستی میں 10 لاکھ روپے کے مصارف سے سیوریج لائن اور واحد نگر میں مسجد خیرالنسا کے پاس 1,37,00,000 روپے کے خرچے سے نئے باکس ڈین کی تعمیر کا کام شامل ہے. علاوہ ازیں نور مسجد تا RJ فنکشن ہال اور MCH کالونی میں سویرج لائن اور VDCC روڈ کی تعمیر کے کام بھی شروع کیے گئے, جس پر ترتیب 20 لاکھ اور 15 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا. اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع, سرگرم مجلسی کارکن سری نواس, ایگزیکٹو انجینئر GHMC رادھیکا, ڈپٹی جنرل مینیجر واٹر ورکس شیلا رانی, مینیجر حشمت علی اور دوسرے عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے. مجلسی رکن اسمبلی معظم خان نے کارپوریٹر مختصر بابا اور نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان کے ہمراہ جہاں نما بدری ڈویژن کا دورہ کیا. انہوں نے شاہین کالونی اور رنجن کالونی میں 4 کروڑ روپے کے مصارف سے نئے باکس ڈین کی تعمیر کے جاری کاموں کا معائنہ کیا. انہوں نے ان کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی. رنجن کالونی کی یہاں کے جو عوام ہیں دارالسلام کو آئے تھے, مجلس اتحاد المسلمین
एक 4 करोड़ रुपए का बॉक्स ड्रेन सैंक्शन कराई है, जो नवाब साहब कुंटा इकरा मशीन से स्टार्ट हो रहा है और रंजन कॉलोनी में जाके ख़त्म हो रहा है। बॉक्स ड्रेन 2 करोड़ रुपए का है। नवाब साहब कुंटे की जो रोड है नीचे वेंट 2 करोड़ रुपए का है। टोटल 4 करोड़ की लागत से ये काम होने वाला है। तो इस रंजन कॉलोनी के लोगों को कुछ डाउट था, कुछ सवालात थे जो दारुसलाम को आज आए थे। मैं इमीडिएटली मेरे कॉरपोरेटर्स जनाब हन्नान साहब और इस हलके के कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदर बाबा को लेकर यहाँ पर इस रंजन कॉलोनी में आया हूँ। जो ये लोगों को सवालात थे वो सारे चीज़ें उन लोगों अपने मेरे सामने रखे। मैं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स को भी लेकर यहाँ पर आया हूँ। उनका डाउट क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द काम होगा। जो हर साल बरसात के दिनों में गौस नगर का इलाका जो नवाब साहब कुंटे का है, इकरा मशीन का जो इलाका नवाब साहब कुंटा है, और इस रंजन कॉलोनी में जो बरसात की तरफ से पानी जमा होता था, अल्लाह चाहा तो 95% उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा ये काम के ज़रिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक एक महल्ले में, एक एक बस्ती में, आवाम के दरमियान में जाकर उनके तकालीफ़ को सुनती है और समझती है, और उसी तरह उनके कहने पे हम प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भिजाते हैं इंशाल्लाह ताला। और बहुत काम है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जितना जल्दी हो सके उस सारे प्रॉब्लमों को दूर किया जाएगा। मजलिस हमेशा डेवलपमेंट चाहती है और उसी डेवलपमेंट की बुनियाद पर आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं आवाम के दरमियान में रहिए। उसी का नतीजा है कि आज इस एरियों में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है। आप नज़र फिराकर देख सकते हैं कौन से एरिया में काम नहीं चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह काम करा रही है और काम होता रहेगा। शुक्रिया आप लोगों का। मलकाजगिरी की एसओटी ने मेधपल्ली पुलिस के तावुन से रेलवे और मेट्रो ट्रेन में मुलाजमतों का वादा करते हुए कई नौजवानों से 1.5 करोड़ रुपए का धोखा देने वाले एक जोड़े के सुरेंद्र और नागलक्ष्मी के अलावा एक और शख्स सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मुलजमीन के पास से 4 महिंद्रा कारें, सरकारी इदारों के लेटर हेड्स और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि उनके मजीद 3 साथी मफरूर हैं। मुलजमीन रोजगार के मतलाशी नौजवानों से अपने हसर उसूक के जरिए सरकारी मुलाजमतें दिलाने का वादा करते हुए उनसे फीकस 5 से 10 लाख रुपये वसूल कर लिया करते थे। मुलजमीन के खिलाफ उप्पल और मेतपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज थे। कमिश्नर पुलिस ने नौजवानों से अपील की कि वो बगैर इम्तहान के सरकारी इदारों में मुलाजमतों में रोजगार दिलाने का वादा करने वालों के झांसे में न आए और उनसे होशियार रहें। सुरेंद्र आये ओरिजिनल पेर काकर्णपाटी सुरेंद्र मदिरा खम्मम जिला 10th class दाका చదివినప్పుడు డిస్కంటిన్యూ చేసి స్టడీ అప్పుడు ఆయన ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు 12 lakh రూపీస్కి గోల్డ్ బిస్కెట్ ఇస్తారు అని చెప్పి లండన్ నుంచి వస్తున్నాయి తక్కువ ధరంలో ఆయన సొంత ఫ్రెండ్స్కి ఆయన మోసం చేయడం జరిగింది అప్పుడు 2018లో దానికి సంబంధి మదిర టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఈయన మీద కేసు నమోదైంది మళ్ళా ఈ కేసు నమోదైనప్పటి నుంచి ఆయన ఫర్రారైనారు అక్కడ ఫర్రారై హైదరాబాద్ ఉప్పల్ ఏరియాలో ఆయన ఉంటున్నారు అక్కడ ప్రైవేట్ కార్ డ్రైవర్గా పుట్ట సురేష్ రెడ్డి అని ఆ పేరుతో అతను ఫేక్ ఆధార్ కార్డ్ ఫేక్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ ఎంత ఆయన తీసుకున్నారు ఈ ఒరిజినల్ నేమ్ సురేంద్ర ఉంది అది అది తెలీదు ఇక్కడ ఎవరు ఎవరెవరికి మోసం చేశారు ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం వాళ్ళకి ఈయన పేరు అది సురేష్ అంటున్నారు మాత్రం ఈయన ఒరిజినల్ నేమ్ సురేంద్ర ఉంది కాకర్రపాటి సురేంద్ర ఇక్కడ ఈ సికింద్రాబాద్లో ఆయన ఈ ఫేక్ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ ఎలక్షన్ కార్డ్ ఇవన్నీ తయారు చేశారు అని తెలిసింది తర్వాత ఉప్పల్లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో నాగోల్లో
HDFC బ్యాంక్ లో కూడా ఇదే బోగస్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసి ఇన అక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. తర్వాత ఈ సికింద్రాబాద్ లో ఉన్న అలం అండ్ ఖమ్మం లో ఉన్న శ్రీనివాసరావు తో పరిచయాలై ఆ పరిచయంతో ఈ మెట్రో రైల్వే లో గాని మన सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा के तबादलों से मुतालिक जियो 317 की मंसूखी का मुतालबा करते हुए बीजेपी के लीगल सेल ने रियासती गवर्नर से नुमाइंदगी की है. गवर्नर टी सुंदरराजन से राजभवन में मुलाकात करने और उन्हें याददाश्त पेश करने वालों में साबिक MLC रामचंद्र राव, बीजेपी लीगल सेल के कन्वीनर जी रामा राव, ज्वाइंट कन्वीनर रविंदर विश्वनाथ, एडवोकेट्स के एंथनी रेड्डी और वी श्रीनिवास राव शामिल थे. प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन उम्मीद आ रोज चट विभजन चट द्वारा आर्टिकल 371 डी प्रकार कोई उद्योगस्थल को संबंधी कोई नियमावली प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन द्वारा तीस जी दाने द्वारा दाखी अड़बड़ उद्योगस्थल को नष्ट जरक एना उत्तर दीया अवसर प्रभुत् प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को व्यतिरेक यह जियो 317 తీసుకురావడంతో ఉద్యోగస్తులు తన ఒక నేటివిటీని తన స్థానికతని కోల్పోతున్నారు. స్థానికతో పాటు వారి ఒక సీనియారిటీ కోల్పోతున్నారు. సీనియారిటీతో పాటు వారికి ప్రమోషన్లు కూడా కోల్పోతా ఉన్నారు. ఇది కొంతమందికే కొన్ని వర్గాలకే కొన్ని యూనియన్లకే లాభం వచ్చేటటువంటి విధంగా ఈ జియో ఉండదని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తా ఉంది. దీని ద్వారా ఈ రోజు ఈ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ పాలసీ ద్వారా అనేక మంది ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగస్తులు హార్ట్ అటాక్లు గానే సూసైడ్లు గానే చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇటువంటి ఒక మొండితనంతో ఇంకా ఈ జియోని కొనసాగించడం ఏదుందో ఇది ఉద్యోగస్తులకు ఉపాధ్యాయులకు వ్యతిరేకమైన చర్యగా భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తా ఉంది. గవర్నర్ గారికి మేము రాజ్యాంగాన్ని చూపెట్టాం, గజెట్ నోటిఫికేషన్ చూపెట్టాం, గతంలో హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి అనేక ఆర్డర్లు కూడా మేము గవర్నర్ గారు చూపెట్టి ఆ ఆర్డర్లకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఈ 317 జియో ఉందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి లీగల్ సెల్గా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. గవర్నర్ గారు చాలా విన్నారు, చాలా సానుకూలంగా వారు స్పందించారు. తప్పకుండా ఈ ఇష్యూలో నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతానని కూడా చెప్పడం జరిగింది. हैदराबाद मेट्रो रेल और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दूसरे नगर के इलाके में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके दौरान सैकड़ों कारोबार करने वालों का सामान जब्त किया गया. नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद पाशा ने हुक्काम से बातचीत की, लेकिन उनकी नुमाइंदगी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के हकूक के तहफ्फुज के लिए मरकजी हुकूमत ने कानून भी मंजूर किया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इस कानून का पासो लिहाज नहीं कर रही है. आज दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के पास जो स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड पे फुटपाथ पे जो कारोबार करते हैं, आज उनको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हरासमेंट किया गया है और इनकी बंडी जो लॉक करी हुई बंडी थी उसको तोड़ा गया है. मैं यही चाहता हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट CM साहब से कि भाई पार्लियामेंट का एक्ट है, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है पार्लियामेंट का, और तेलंगाना CM साहब जो हमारे को जियो दिए है वो जियो है. वो रहने के बावजूद आज मेट्रो स्टेशन से यहाँ पर एक पार्किंग लगाई गई है जो पेड पार्किंग के नाम पे हमको फुटपाथ पे हमको कारोबार करने के लिए हमको पार्लियामेंट का एक्ट है, जियो है, हर चीज़ है, कानून रहने के बाद में पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले जो है आज पार्किंग वालों को सपोर्ट कर रहे. पार्किंग मेट्रो स्टेशन का कोई बोलने वाला नहीं है. आज इतनी बड़ी ये दिलसुख नगर एरिया में बड़े बड़े शॉप्स लगे हुए हैं और बड़े बड़े जो है यहाँ पे साईं बाबा मंदिर है. यहाँ मंदिर के पास में भी जो है मंदिर को जाने वाला भी जो है पार्किंग करके गाड़ी पार्क करके गया तो उन्हीं भी जो है पैसे देना कहते उसको. तो ये लोग अपनी मनमर्जी चला रहे. ये मेट्रो स्टेशन खैर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है पता नहीं है, मगर जहाँ पे हम पैदा हुए आज से नहीं 20 साल से ये मेट्रो स्टेशन नहीं था. हम जब से यहाँ पर कारोबार कर रहे, हमारे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पर कारोबार कर रहे, आज मेट्रो स्टेशन वाले जो है सो आकर ये बोल रहे कि भाई ये पार्किंग को अलाट हो गया. भाई कैसा अलाट करते हैं आप? हम लोग 30 साल से यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं. ऑलरेडी हमारे पास म्यूनसिपल के ID कार्ड्स मौजूद है हमारे पास के स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे कारोबार करना बोल के पूरे लोगों को. दिलसुख नगर में जो मेट्रो स्टेशन है राजू चौक के पास तकरीबन यहाँ पे सबको वेंडर्स कार्ड मौजूद है. पार्लियामेंट का एक्ट है कि भाई इनका सर्वे होना, इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना, परमानेंट ऑन वेंडिंग कमेटी बनना, ये कुछ नहीं हो रहा.
आज स्ट्रीट वेंडर्स को ये बोल के हरासमेंट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं लगाना, आप लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाके लगा लो। तो हम हुकूमत से यही चाह रहे हैं, तेलंगाना सीएम साहब से हम यही चाह रहे हैं, केटीआर साहब से यही चाह रहे हैं, और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जो ऑल इंडिया के मजलिस के हैं, हम उनसे और अकबर साहब से यही चाह रहे हैं कि भाई ये गरीबों के लिए आवाज़ उठाइए आप, क्योंकि यहाँ पर इतना जुल्म हो जा रहा है कि कोई बोलने वाला नहीं है। मेट्रो की तरफ से जो है आज बड़े बड़े दुकाना वाले भी डर रहे कि भाई मेट्रो वाले कुछ बोले तो अपने ऊपर केस बुक हो जाता। अरे कितने केस बुक करता, मगर हम ये चाह रहे कि भाई हमारा कानून है, हमारे को जीने दो, हमारे को परेशान मत करो, हमारी तकलीफ हमारे को मालूम है, हम रोज़ाना 200 400 500 रुपए कमाना, और ऊपर से सुबह मॉर्निंग में गाड़ी आ जाती है ट्रैफिक की, हटाओ निकालो, भाई हम कहाँ जाना, हमारा कानून अगर है तो हमारा कानून है, हम इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे और ये कहना चाह रहे कि मेट्रो स्टेशन को अलाट करने से पहले स्ट्रीट वेंडर्स का जो जोन बने हुआ है वो जोन बनाना है, वो लोग को बगैर आप उनको नहीं हटा सकते। ये मैं नहीं, पार्लियामेंट का एक्ट बोल रहा है कि आप इन लोगों को जब तक नहीं हटा सकते, इन लोगों की इनकी जगह आप मुकर्रर कहीं नहीं कर सकते। तो मैं ट्रैफिक सर्कल, हमारे एलबी नगर ट्रैफिक सर्कल साहब से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि नीचे ग्राउंड पे जो लोग जो किरण जो गाड़ी आ रही है वो आके जो है ये लोग के ऊपर जुल्म कर रही, तो मैं सर्कल साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ और म्यूनसिपल से भी ये गुजारिश करता हूँ कि भाई ये लोग को सपोर्ट करिए आप। सर्कल साहब को आज तक इतना नहीं हुआ, जब भी ट्रैफिक वाले आते थे हम एसआई साहब को हम बताते थे ये प्रॉब्लम है बोले तो ठीक है बोल के चले आते थे, आज कोई नहीं है, एसआई साहब आए हैं। हम सर्कल साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आप हमारे को जुल्म मत करो, हरासमेंट मत करो, हम हमारी कारोबार हमारे को सुकून से करने दो। ऑलरेडी हम लोग हाईकोर्ट में डाले, हाईकोर्ट में हमारा केस ऑनलाइन की तरफ से अभी चल रहा, जज साहब जो हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा, हम नहीं रहना है बोले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तो फैसला आए तक हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना साहब, हम ये चाह रहे हैं, हमारे को कानून के ऊपर भरोसा है हमारे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने बताया कि लिंगमपल्ली ता बोराबंडा पाइपलाइन की तब्दीली की वजह से बोराबंडा रिजर्वेयर से जुमेरा 27 जनवरी की सुबह 6 बजे से 28 जनवरी की सुबह 6 बजे तक पानी की सरबराही बंद रहेगी। चुनाचे इस रिजर्वेयर के तहत आने वाले इलाके जात बोराबंडा, अल्लापुर, गायत्री नगर, पर्वता नगर, विवेकानंद नगर, SPR हिल्स, श्रीराम नगर और कार्मिका नगर में पानी की सरबराही बंद रहेगी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के स्टाफ और मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी में ताखिर की शिकायत की और इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो इस बेकायदगी के मसले को जल्द से जल्द हल करे। जनरल सेक्रेटरी यूनियन बी संदीप ने कहा कि गुज़श्ता 9 माह से इंतजामिया तनख्वाह की अदायगी में ताखिर कर रहा है, जिससे मुलाजमीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन ने क्रिकेट की सरगर्मियों को फरोग देने में हमेशा ही अपना एक अहम किरदार अदा किया है और वो इंसाफ का तलबगार है। पेमेंट डायरेक्ट लेट करे बोर्ड वो डिले कर सैलरीज का और रिसेंटली 2 महीने से और लेट हो रहा तो उसने फाइनल लेटर में क्या लिखा कि हम लेबर कोर्ट जाने वाले हैं, मीडिया का अप्रोच होने वाले हैं, जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करो। 21st लेटर दिया मैनेजमेंट को, लेबर कोर्ट भी अप्रोच हो गए, लेबर कोर्ट वाले भी डेट दिया कि हमारे को जॉइंट मीटिंग के लिए 27 को डेट दिया। 27 को मीटिंग में जाएंगे, प्रेसिडेंट से भी बात करें, सेक्रेटरी से बात करें, उन्होंने भी आ रहे, इन्होंने भी आ रहे, फैसला क्या हुआ था उस दिन को छोड़ दे रहा, मगर अगर उस दिन भी नहीं हो सका तो आगे क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है यूनियन की तरफ से स्टाफ के लिए, हम तैयार हैं, सबसे बात करके जो करना है करते। अब ऊपर में करंट नहीं है, 1 महीने को ऊपर हो गया, पानी माने के लिए ग्राउंड का पानी नहीं है, थोड़े दिन एडजस्ट करें हमने संभाल लिए, जैसा डीजल के तौर या कुछ फायर जनरेटर के तौर, आखिर में क्या हुआ बोलते डीजल के लिए पैसे नहीं है, एसोसिएशन वाले ने देने थोड़े स्टाफ लोग थोड़े खर्चा करके पेट्रोल खर्चा करके कर लिए, कटिंग वेटिंग जो भी है कच्चों कर लिए, मगर ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें तनख्वाह भी नहीं मिला। आखिर में अब देखिए बकेटों से ला के पानी मारना पड़ा पिच पे, पुलिस बालापुर ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुंबई के एक शख्स की जानिब से एक 14 साल लड़की को खरीदने की कोशिश को नाकाम बना दिया। उसे लड़की की वालिदा और नानी समेत 8 अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 61 साल अल्ताफ अली अपनी बीवी को तलाक दे चुका था और उसने अपनी खिदमत के लिए इस लड़की को खरीदने की गर्ज से कुछ अर्सा कबल
लड़की की वालदा से मामले तय की थी और 3 लाख रुपए मुआवजा देना चाहता था। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 255,874 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 614 नई मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 5 दिनों से जहां कोविड-19 के केसेस 3 लाख से ज़ायद दर्ज हो रहे थे, अब उनमें कमी देखी गई है। दूसरी तरफ मरकजी वजारत ने बताया कि मंगल की सुबह तक मुल्क भर में 162 करोड़ 92 लाख अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए जा चुके हैं।